एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल यूथ सार्थक। आज का ये जो सेशन हम लेकर आए हैं ये थोड़ा स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। आप कोई भी गेम देखते हो, हॉकी, क्रिकेट या जिसके भी आप फैन हो, जिस भी स्पोर्ट्स पर्सन को आप पसंद करते हो, उनके निकनेम्स हम लेकर आए हैं। उनके निकनेम जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो पढ़ते हैं आज प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम, जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी को हम क्या कहकर बुलाते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है हमारे बहुत ही ग्रेट कैप्टन का, जो क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी। महेंद्र सिंह धोनी जी का जो उपनाम है उनको हम माही कहकर बुलाते हैं। अगले जो पर्सन है वो आते हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो है वो क्रिकेट से अपना ताल्लुक रखते हैं, इनको कहा जाता है द बॉल। नेक्स्ट आते हैं पेस व भूपति। पेस व भूपति जो दो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, उनको कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस। तो अगले खिलाड़ी आते हैं, अगले स्पोर्ट्स पर्सन हमारे हैं जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ जी को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं वीरेंद्र सहवाग, जो कि क्रिकेट से ही रिलेटेड है। क्रिकेट का तो बहुत ज्यादा क्रेज रहता है, तो जितने भी क्रिकेटर्स हैं आपको उनके उपनाम बिल्कुल पता होने चाहिए। तो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, इनके दो नाम से इनको बुलाया जाता है, एक है मुल्तान का सुल्तान, दूसरा नसफगढ़ का नवाब। इन दो नाम से हम इनको जानते हैं। नेक्स्ट जो है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको कहते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। नेक्स्ट आते हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का तो शायद ही इंट्रोडक्शन देने की आपको जरूरत पड़े, ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। हम बहुत सारे अपने स्कूल की किताबों में इनके बारे में, अपने चैप्टर्स में पढ़ते हैं, इनसे हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो इनको कहा जाता है हॉकी का जादूगर। नेक्स्ट आती है पीटी उषा। पीटी उषा को हम कहते हैं उड़न परी पायेली एक्सप्रेस, यानी कि ये सबसे तेज भागने वाली लेडी थी पीटी उषा, और इनसे भी हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो इनका उपनाम डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, तो इनको कहते हैं उड़न परी। नेक्स्ट आते हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर एक ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, इनको हम कहते हैं लिटिल मास्टर। नेक्स्ट आते हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली का नाम सभी ने आपने सुना होगा। तो सौरभ गांगुली का जो निकनेम है, जो उपनाम से हम बुलाते हैं, वो हम इनको दादा कहकर बुलाते हैं। कुछ बहुत ही ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन के निकनेम्स जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए इफ यू आर अ ग्रेट लवर ऑफ स्पोर्ट्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल यूथ सार्थक।